आगरा में देर रात एक गोलीकांड हो गया। इसमें एक युवक को गोली लगी है और युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने थाना एतमादोला में एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला यमुना ब्रिज क्षेत्र का है। यहाँ देर रात आदिल को धर्मेंद्र नाम का युवक अपने साथ उसके घर से ले गया था। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली आदिल के गोली लगी है, उसे इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी परिजन SN मेडिकल कॉलेज पहुंचे, यहां से आदिल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं गोली कैसे चली अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। फोन आया है हमारे पास, लड़के आए कि तुम्हारे आदमी में गोली मार दी गई है, धर्मेंद्र ने मारी है गोली। अच्छा, हाँ। कितने साल शादी होगा आपकी? 5-6 साल हो गए होंगे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पति क्या करते थे? पुताई करते थे। ये धर्मेंद्र का जो नाम आ रहा है, ये धर्मेंद्र को आप लोग जानते हैं पहले से? नहीं, हम नहीं जानते, उनके दोस्त बता रहे हैं। वो अयोध्या के तारुण इलाके में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को